इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे रेलवे की ओर से कुछ ट्रेनों का संचालन कैंसिल किए गए हैं। अगर आप मालदा रेलखंड से यात्रा करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि कुछ ट्रेनों के डिटेल्स हम बताएंगे जिनका संचालन सितंबर में कैंसिल किया गया है। 24 सितंबर से लेकर इस ट्रेन का परिचालन 29 सितंबर तक नहीं किया जाएगा। इसी दौरान अगर आप साहिबगंज, जमालपुर, भागलपुर, किऊल, रामपुरहाट, गया के बीच यात्रा करते हैं तो इन सभी रूटों पर चलने वाली तमाम ट्रेनों का संचालन कैंसिल रहेगा 24 से लेकर के 29 सितंबर तक। आइए जानते हैं सभी ट्रेनों के लिस्ट के बारे में। सबसे पहली ट्रेन 03431 के साथ साहिबगंज से जमालपुर के बीच चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन है, जो कि 24 सितंबर से 27 सितंबर तक कैंसिल रहेगी। दोनों ही दिशाओं में से ट्रेन का परिचालन कैंसिल किया गया है। इसके अलावा दूसरी जोड़ी ट्रेन जमालपुर से किऊल के बीच चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन है। ट्रेन नंबर 03433 के साथ यह ट्रेन जमालपुर से और किऊल से 03434 के साथ चलती है। यह ट्रेन भी 24 से लेकर 27 सितंबर तक कैंसिल रहेगी। अब बात करते हैं साहिबगंज से भागलपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के बारे में। साहिबगंज से भागलपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 03037 और 03038 के साथ यह ट्रेन 24 सितंबर से 27 सितंबर तक कैंसिल रहेगी। रामपुरहाट गया पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन 05407 यानी कि केवल रामपुरहाट के दिशा में गया के लिए यह ट्रेन 24 से लेकर 28 सितंबर तक कैंसिल की गई है। और आखिरी ट्रेन जो कि जमालपुर से रामपुरहाट के बीच चलती है, यह ट्रेन भी केवल जमालपुर से रामपुरहाट के लिए एक तरफ कैंसिल रहेगी। 24 सितंबर से 29 सितंबर तक इस ट्रेन का संचालन नहीं देखने को मिलेगा। ट्रेन नंबर की बात करें तो 05408 के साथ यह ट्रेन जमालपुर से रामपुरहाट के बीच चलती है। इन सभी ट्रेनों का संचालन कैंसिल रहने से पैसेंजरों को, खासकर लोकल यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद यानी कि लगभग 29 सितंबर के बाद इन ट्रेनों का संचालन पुनः चालू हो जाएगा, जिसकी जानकारी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें और नई ट्रेनों के अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।